एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उसका नाम था सुंदरवन। जैसे कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है कि वो बहुत ही खूबसूरत जंगल था। लेकिन वहाँ से सारे जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे चले जा रहे थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती चली जा रही थी, क्योंकि पशु पक्षी वहाँ नहीं रहना चाहते थे और सभी दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे थे, और सभी पशु पक्षी दूसरे जंगलों में अपने घर बनाने के लिए चल दिए थे। इसका कारण था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी और पानी ना बरसने के कारण जंगल में पानी की कमी हो गई थी और बिना पानी के जीवन बहुत कठिन हो रहा था, जिसके कारण सारे पशु पक्षी वहाँ से जाने के लिए सोच रहे थे और कई सारे चले भी गए थे। पानी ना बरसने के कारण पौधों की हरियाली भी खत्म होती चली जा रही थी। सारे पेड़ पौधे सूखते चले जा रहे थे और इससे वन की शोभा बिगड़ती चली जा रही थी। इसी कारण उस सुंदर वन में किसी भी जानवर और पशु पक्षी का मन नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे। उसी बीच गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब तेज बरसात होने लगी। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उस बरसात में उन्होंने बहुत नाचा गाया, रेन डांस किया, खूब मस्ती की। और बरसात ऐसी हुई कि दो तीन दिन तक लगातार होती रही। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन बाद जब बारिश बंद हुई तो सभी जानवर अपने अपने घरों से निकले तो देखा कि तालाब और झील में खूब सारा पानी आ गया है। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए हैं। इस पर सभी खुश हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन बहुत खुश हुआ। बत्तख झील में तैर रहे थे और हिरण दौड़ दौड़ कर खुशियाँ मना रहे थे, और ढेर सारे पपीहे और मेंढक मिलकर बहुत ही अच्छे सुर में एक गाना गा रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर पशु पक्षी खुश हो गए और सभी खुशी खुशी वहाँ आपस में मिलजुल कर रहने लगे। अब उन्होंने दूसरे वन में जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है।